सामने एक इंसान लेटे हुए हैं जी जी, और उनके सर के ऊपर एक धार डाली जा रही है, आप देख रहे होंगे। जी जी जी। और इससे, इस धार से, इसमें कोई दवाइयों का यूज नहीं है, ये नेचुरल थेरेपी करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में नेचुरल थेरेपी कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी। देखिए, आज के दिन हर व्यक्ति को स्ट्रेस है जी। शहर में किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को पारिवारिक स्ट्रेस है, उसके कारण क्या इंसान की नींद गायब हो रही है जी। और वो नींद गायब होने के कारण 50 प्रॉब्लम और भी उसको हो रही है। तो वो नेचुरल नींद खेत खलियान के बीच में और अच्छे वातावरण के बीच में कैसे आए, वो सब टेक्निक हम आपको दिखाते हैं। और उसके लिए कोई यहाँ आना चाहे तो वो हम आपको डिटेल्स इसमें बताएंगे कि ये कैसे प्रभावकारी है जी जी। और कैसे ये काम करती है। जी जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए भाइयों देख लेते हैं, ये देख लो जी। देखिए, अभी आपके सामने एक इंसान लेटे हुए हैं जी जी, और उनके सर के ऊपर एक धार डाली जा रही है, आप देख रहे होंगे। जी जी जी। और इससे, इस धार से, इसमें कोई दवाइयों का यूज नहीं है, इसमें ऑयल का यूज किया गया है जी जी। वो तो अलग अलग कंडीशन के कारण यूज होते हैं जी जी। और इससे इंसान को इतना कूलिंग इफेक्ट आता है, इतनी शांति मिलती है दिमाग को, कि बहुत सारे लोग आजकल इंजीनियरिंग की लाइन में और कई लाइंस में, ऑफिस वर्क में एंजाइटी के शिकार हैं, डिप्रेशन उनको हो रखा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। वो सब दूर करने के लिए, और वो भी नेचुरल तरीके से, क्योंकि नींद की प्रॉब्लम गोली से कभी भी समाधान नहीं हो सकता, और बीमारी बढ़ जाएगी, और बीमारी बढ़ती है, गोली की डोज हमेशा बढ़ती जाती है। तो यदि कोई इंसान शहर में बैठा हुआ कल्पना कर रहा है कि मैं कहीं ऐसी जगह चलूं जहां पूरा नेचुरल प्राकृतिक माहौल हो जी जी, उस प्राकृतिक माहौल में जी, उस प्राकृतिक माहौल में प्राकृतिक चिकित्सा हो और वो नींद मेरे को नेचुरल आए, नींद की गोलियां मेरी छूट जाए, मेरा डिप्रेशन दूर हो जाए जी, उन सब के लिए ये आयुर्वेद की पंचकर्म की एक थेरेपी है जी, जिसको शिरोधारा बोलते हैं। शिरोधारा, हाँ, शिरो यानी शिर, सिर के ऊपर एक लगातार धार डाली जाती है जी जी। और उस धार के कारण हमारा नर्वस सिस्टम है ना, उस पे वर्क होता है। अच्छा, CNS, PNS, अच्छा, इस तरह से हमारे नर्वस सिस्टम के कई पार्ट होते हैं, साइंटिफिक रीजन से देखें तो। तो इसमें क्या होता है कि जड़ी बूटियों का कई बार काढ़ा यूज होता है जी, कई बार जड़ी बूटियों का तेल यूज होता है, जैसे ब्राह्मी का तेल है, दसमूल का तेल है, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। अच्छा, कि भाई किस आदमी को क्या करना है, कैसी प्रॉब्लम है जी। लेकिन इसके अलावा भी रिलैक्स के लिए भी इंसान इसमें, इस पे लेट के और ये करता है। अच्छा, तो माइंड को इतना कूलिंग इफेक्ट और इतना शांति मिलती है जैसे आदमी समाधि से निकल के आया हो। अच्छा, मतलब इतनी शांति। और इसमें जो नींद आती है, कई बार लोग 2-5 मिनट में खरांटे लेके सोने लग जाते हैं, तो इसमें जो नींद आती है ना, वो बरसों का तनाव जैसे दूर होता है, वो सब इन चीजों से दूर होता है। और ये यहाँ हमारे एनवायरनमेंट में प्रभावकारी इसलिए ज्यादा हो जाती है कि इसके लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए कि चारों तरफ शांति हो, बहुत ज्यादा कोई पोल्यूशन नहीं हो। सही बात। तो हमने तो क्या, दीवारें और वो भी सब चीजें भी उसी तरह की बनाई हुई है जी जी। तो उसके बीच में इंसान को मतलब बरसों का वो गायब हो जाता है तनाव। अच्छा, अच्छा सर, हमें ये बताइए, किसी को अनिंद्रा की, नींद ना आने की बहुत ही बड़ी समस्या है, ठीक है, तो ये थेरेपी कितने दिन तक लेनी पड़ती है? इसमें क्या है कि मिनिमम 10 डेज का एक अपन ने शेड्यूल बनाया हुआ है। वैसे तो हर आदमी की कंडीशन अलग होती है, बट मिनिमम 10 डेज लेते हैं तो वो प्रभावकारी अच्छी होती है। अच्छा, अच्छा, और बाकी तो 1-2 दिन 3 दिन के लिए भी कोई ले सकता है। अच्छा, कई बार कईयों को लॉन्ग टर्म भी देनी पड़ती जी, है। लेकिन ये है कि आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ जाएगी। क्वालिटी, किसी को 5 घंटे आ रही है उसमें से 2 घंटे गहरी आ रही है, तो ये लेने के बाद में 3-4 घंटे गहरी आने लग जाएगी। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, तो गहरी निद्रा आने लग जाएगी। और जब नींद इंसान को गहरी आती है ना, तो और प्रॉब्लम सारी अपने आप हीलिंग प्रॉपर्टीज अपने आप हो जाती है, हीलिंग माइंड में अपने आप पाई जाती है। तो इंसान को जब नींद गहरी आने लग जाती है, तो और प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने आप ही दूर हो जाती है। अच्छा, शिरोधारा के और क्या क्या फायदे हैं? एक तो ये हो गया, निंद्रा का ये इलाज करती है। देखो, शिरोधारा मेनली माइंड पे काम करती है। अच्छा, निद्रा तो एक पार्ट बताया मैंने, जैसे शिरोधारा मेनली माइंड पे काम करती है। तो माइंड पे जब काम करती है तो डाइजेशन भी प्रॉपर होता है। एक प्रॉब्लम होता है IBS, इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम, जिसमें बार बार इंसान को जाना पड़ता है, खाते ही स्ट्रेस होना पड़ता है, और बड़ी बरसों से लोग तंग आते हैं। हाँ, वो भी शिरोधारा से ठीक होती है। अच्छा, यानी डाइजेशन पे भी ये वर्क करती है। और
इसके अलावा नशा छुड़ाने में बहुत अच्छी कारगर सिद्ध होती है ये। जैसे किसी इंसान अपनी मर्जी से कोई सपोर्ट लेना चाहता है कि मेरे को इंसान को एडिक्शन है और मेरे को सपोर्ट मिल जाए तो सिरोधरा काम आती है। इसके अलावा माइंड में कई बार क्लोट आते हैं, पैरालिसिस वगैरह भी होता है लोगों को, उसमें भी सिरोधरा का बेनिफिट होता है। तो ये तो एक ऐसी उन्नत तकनीक है जिसमें एक ऑटोमेटिक इंसान को ध्यान लगता है, जैसे किसी को ध्यान लगाना नहीं आता। तो इसमें ये आयुर्वेदिक काढ़े से, आयुर्वेदिक तेल से एक ध्यान लगाने की एक टेक्निक है एक तरीके से। डॉक्टर साहब आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में भाइयों हम आपको किसी दूसरी जुड़ी हुई बीमारियों की जानकारी देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि आपके लिए एक एक टॉपिक अलग से सेपरेट बनाऊँ। ठीक है, तो पार्ट बहुत जल्द मिलते हैं, पार्ट 3।